नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टूरासेल के एडेप्टर के बारे में, जो कि दोस्तों रिचार्जेबल एडेप्टर होते हैं। और अभी रिसेंटली आप कोई एडेप्टर खरीदना चाह रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम रिचार्जेबल कंडीशन में रहते हैं, मतलब 4 से 5 घंटे लगते हैं इस छोटे से सेल को चार्ज होने के लिए। ये जो सेल है दोस्तों मेरे पास जो है वो टूरासेल का डबल ए सेल है, और इसी को मतलब आप इस एडेप्टर में 2 सेल चार्ज कर सकते हैं, 2 टाइप के सेल। दैट मीन्स ये है कि आप या तो 4 डबल ए सेल यूज़ कर सकते हैं या 4 रिचार्ज कर सकते हैं ट्रिपल ए सेल, मतलब छोटे वाले और थोड़े से मोटे वाले सेल दोनों चार्ज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि टूरासेल ने अभी रिसेंटली अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है जो कि आपको 45 मिनट में फुल चार्जिंग प्रोवाइड करवा देता है, तो इस वजह से थोड़ा सा घमासान हो गया। और उससे पहले दोस्तों जो उसके नॉर्मल एडेप्टर थे जो कि डबल ए वाले जो सेल को चार्ज करने वाले एडेप्टर थे 4 घंटे में, वो अपने प्रोडक्ट बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग इसी कंडीशन को सोच रहे हैं कि या शायद ये वाले बंद कर दिए हैं और जो 45 मिनट वाले वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए। लेकिन दोस्तों अभी आप देखेंगे, क्योंकि मार्केट में इस टाइम टूरासेल का कोई भी रिचार्जेबल एडेप्टर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इस वजह से जो 4 घंटे या मतलब बहुत पुराने एडेप्टर है वो उनके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। तो दोस्तों मैं सजेस्ट करूँगा आपको, जैसे कि मैं टूरासेल का थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी बता दूँ, कितने मिनट में कितने परसेंट चार्ज कर देता है। जैसे कि दोस्तों हम बात करें 1300 mAh के जो सेल होते हैं डबल ए वाले टूरासेल के, वो 90% चार्ज कर देता है 4 घंटे में चार्ज करने के बाद। 100% चार्ज नहीं करता, 90% तक चार्ज कर देता है। लेकिन दोस्तों वही 45 मिनट में चार्ज करने वाली कंडीशन देखो तो 85% चार्ज करता है 45 मिनट में। लेकिन दोस्तों ये 1300 mAh के बैटरी सेल की बात कर रहा हूँ, जो छोटे वाले सेल होते हैं उनमें mAh कम हो जाता है, उनमें 750 mAh की बैटरी मतलब कैपेसिटी होती है। तो डैट मीन्स ये वो ट्रिपल ए सेल होते हैं जिसमें दोस्तों उसमें मैं बात करूँ 80% चार्ज करता है 4 घंटे में और 75% चार्ज करता है 45 मिनट में, तो वो एक फास्ट एडेप्टर चार्जर है। लेकिन दोस्तों आप अभी खरीदने की कहीं भी सोचेंगे तो हर जगह वो आपको आउट ऑफ स्टॉक देखेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा अमेजोन पे इस टाइम कुछ गलत फहमियाँ हो रही है लोगों को, और वो कहीं ना कहीं फास्ट चार्जर की वजह से वो खरीद ले रहे हैं। लेकिन किसी भी एडेप्टर में, जैसे कि मैं बात करूँ टूरासेल की, एक प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ पे आप 45 मिनट वाला चार्जर खरीदेंगे उसमें भी कुछ ज़्यादा बिग चेंज नहीं कर रहा है, और जो 4 घंटे वाला है उसमें भी कोई बिग चेंज नहीं किया। आपको टोटल मिला के सारी स्पेसिफिकेशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि टाइटल इस तरीके से डालते हैं बहुत सारे दुकानदार अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे सेल करने के लिए, तो आप पकड़ नहीं पाते। तो दोस्तों वहाँ पे कंफर्म कर ले रहा है। जैसे कि दोस्तों इसकी मैं डिटेल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रियलाइज होता है, जो इसमें पावर मिलती है आपको 3 वोल्ट की सप्लाई मिलती है दोनों सेलों के लिए, आउटपुट जो है 3 वोल्ट है इसका। और मैं बात करूँ इसमें भी कुछ ज़्यादा दोस्तों क्लियरफाई स्पेसिफिकेशन नहीं दे रखी है। जो एडेप्टर है इनपुट जो लेता है, मतलब ये एडेप्टर जो है वो सिर्फ 60 वाट का है, 7 वाट का। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, जो ये फास्ट चार्जर होगा एटलीस्ट 20 से 25 वाट का होगा, इंडिविजुअल पावर आउटपुट थोड़ा सा ज़्यादा देगा तभी सेल ज़्यादा चार्ज होंगे। क्योंकि दोस्तों आप फास्ट चार्जर कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव प्राइस में खरीद भी लेते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि आपकी वो सारी स्पेसिफिकेशन कभी पूरी कर पाएगा, क्योंकि एक तो डूरासेल जो भी सेल है उसकी पावर जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, और डूरासेल के ऑलरेडी दोस्तों 2400 mAh के सेल आ चुके हैं। डैट मीन्स ये है कि आप एक बार चार्ज कर लेते तो आपको 2 या 3 दिन के लिए कोई रिचार्ज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हाई प्राइस, जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ इस टाइम 45 मिनट में चार्ज करने वाला जो एडेप्टर है उसका प्राइस तो एक्चुअली मार्केट में आपको कहीं दिखेगा ही नहीं, वही प्राइस में मतलब हाई प्राइस में 4 आवर्स मतलब 4 घंटे वाला चार्ज करने वाला एडेप्टर ही अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि कुछ सेलर जो है दोस्तों वो बेच रहे हैं 5551 रुपये में, लेकिन नहीं खरीदना है, उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन जरूर जान लीजिएगा, जो फोटो है क्योंकि टाइटल और स्पेसिफिकेशन में सब कुछ हिडन रखा है। वहाँ पे आप खरीदने के बाद 2-4 दिन बाद ट्राई करेंगे, यार ये तो चार्ज ही नहीं कर रहा 45 मिनट में, फिर क्योंकि क्लेम नहीं हो पाएगा क्योंकि इमेज जो है वो रियल दी है। तो वहाँ पे आपको दोस्तों इमेज में क्लियर स्पेसिफाई हो जाएगा कि ये 4 घंटे में चार्ज करेगा या 8 घंटे में चार्ज करेगा, तो इसलिए फ्रॉड से बचिए अमेजोन से या फ्लिपकार्ट के जो सेलर कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेजोन कर रहे हैं, जो कुछ पार्टिकुलर सेलर है जो प्रोडक्ट बेचते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक मिस गाइड कर रहे हैं, फ्रॉडिंग कर रहे हैं, मिस गाइड कर रहे हैं जो कस्टमर है, अरे हाँ यार ये 45 मिनट में चार्ज करेगा कुछ अलग स्पेसिफिकेशन से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टूरासेल का एडेप्टर नहीं भी खरीद पा रहे या आपको नहीं मिल पा रहा कहीं, पहले थोड़ा सा ऑफलाइन मार्केट में देख लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन मार्केट में कोई चीज़ें खत्म भी हो जाती है लेकिन ऑफलाइन मार्केट में आपको देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन ऐसी दुकान पर देखना जो कि अच्छा खासा स्टॉक रखता हो, तभी आपको मिल पाएगा। तब भी नहीं मिल पाए तो दोस्तों बहुत सारी कंपनियां हैं आज की डेट में, जैसे कि सोनी की बात करूं मैं,
अदर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं अडेप्टर जो कि आपको 12-1300 रुपए में पड़ जाता, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको 5-6 रुपए खर्च करने की जरूरत है। अब आती है सेल, तो सेल आप जरूर मैं रिकमेंड करूंगा कि ड्यूरासेल के लेके, और सेल कभी मतलब आउट ऑफ स्टॉक नहीं रहते ड्यूरासेल के, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हो गई है दोस्तों कि जो नॉर्मल छोटे छोटे सेलों से ही बैटरियां बनाई जा रही है और रिचार्जेबल सेल स्पेशली यूज हो रहे हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा बर्डन पड़ गया है। पहले कहीं ना कहीं जो सेल थे वो कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में पर्टिकुलर जगहों पे यूज होते थे, अब बात करूं मैं जो ईवी बाइक आ रही है, इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रही है या बाइक आ रही है, उसमें ही छोटे छोटे सेल या थोड़ा सा साइज बढ़ा के वहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं, तो ऐसी कंपनियों को ऑर्डर दिए जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा बटन ज़्यादा और आपको कम देखने के लिए मिलते हैं मार्केट में। लेकिन दोस्तों मैं बात करूँ टोटल मिला के बहुत ज़्यादा अच्छा यूजफुल रहेगा एडेप्टर, कोई सा भी ले लीजिए, इट्स नॉट अ पार्टिकुलर कंपनी की, आप ये लीजिए, आपको जो भी अच्छा लगे थोड़ी सी रीडिंग देख के हाँ कि ये परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है, थोड़े से रिव्यू पढ़ने के बाद आप ले सकते हैं। और सेल जो है ड्यूरासेल के, और आप लगता है कि हाँ यार हाई बजट के सेल मतलब लंबे लाइफ लॉन्ग लाइफ यूज़ करने के लिए चाहिए, तो दोस्तों 2500 mAh के या 2400 mAh के सेल है ड्यूरासेल के, जो कि आपको 1100-1200 रुपये में मिल जाते हैं अमेजोन पर ही, तो वो रिकमेंडेड करिए, वो मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली अमेजोन पर जाके वो खरीद पाएंगे। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप हाई कैपेसिटी सेल ले लीजिए ड्यूरासेल के, और एडेप्टर आप 4 घंटे वाला या 8 घंटे वाला आप लगा के आराम से रख दे, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह उठ रहे हैं कि हाँ यार ये सेल चार्ज है, और एटलीस्ट वो 4-5 घंटे चल जाएंगे रेगुलर यूज़ के बाद, क्योंकि दोस्तों 2500 mAh बहुत होता है। आप LED लाइट में यूज़ कर रहे हैं या अपने फ्लैश लाइट में यूज़ कर रहे हैं या मतलब अलग अलग लाइटों में अलग अलग सेल यूज़ होते हैं, तो छोटे सेल यूज़ कर रहे हैं बड़े सेल यूज़ कर रहे हैं आपको लॉन्ग लाइफ के लिए, तो दोस्तों मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप ड्यूरासेल का 45 मिनट का चार्ज लें सो एक्सपेंसिव प्राइस में, और रिजल्ट क्या मिल रहा है टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि 45 मिनट क्या जरूर है, 1-1.5 घंटे में चार्ज होंगे, इससे अच्छा दोस्तों 45 मिनट में मतलब 4 घंटे वाला चार्जर ले लीजिए, हाई पावर कैपेसिटी सेल ले लीजिए, वो ज़्यादा आपको अच्छे लगेंगे। तो दोस्तों अब मुझे लगता है कि सारे डाउट खत्म हो गए होंगे, क्योंकि आप इस टाइम मार्केट में बात करूँ तो ना आपको 400 वाला मिल रहा है जो कि इसका ओरिजिनल प्राइस 1400 रुपये का मैंने खरीदा था, तो वो मार्केट में नहीं है, और जो 45 मिनट वाला है वहाँ पे मिसगाइड कर रहे हैं, जो आपको एक्सपेंसिव प्राइस में देखने के लिए मिलता है, लेकिन मिलता वो 1400 वाला ही 5-6 रुपये में बेच रहे हैं डायरेक्टली। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना, आपको कोई से भी ब्रांड का खरीद ले रहा है और नॉर्मल यूजफुल कर ले रहा है। कोई और डाउट रहेगा तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएगा, हम आपका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, धन्यवाद दोस्तों।